नमस्कार, मेरी नासाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं होलसो। और अगर आपको होलसो के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। होलसो एक प्रकार का ड्रिल बिट है जो होल करता है, होल करने का काम आता है। लेकिन इसका नाम अलग क्यों है? क्योंकि ये आड़ी की तरह है, मतलब सौ की तरह है। ये राउंड होता है और ये किस काम में आता है? ये ड्रिलिंग करने का काम में ही आता है। लेकिन मान लीजिए आपके ड्रिल मशीन में मैक्सिमम 13 mm का ही ड्रिल बिट लग सकता है, लेकिन आप होलसो यूज़ करके वहाँ पर उससे बड़ा साइज़ का 1 इंच का 32 mm का, तो ऐसा आप होलसो लगा के आप ड्रिल कर सकते हो या होल कर सकते हो। तो ये योटो कंपनी का है, 7 पीस है इसके अंदर, 5 पीस है आपका होलसो और एक है इसका शाफ्ट और एक वाशर और नट है, ताकि जो बड़े साइज़ का होलसो है उसमें अटैच करके उसमें शाफ्ट लगाया जा सके। तो यह है इसका बॉक्स, बहुत ही खूबसूरत है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है, मतलब बुरा नहीं है। मैं बॉक्स का बता रहा हूँ। तो ये है हमारा होलसो, ये है 19 mm का, ठीक है। और यह है आपका 22 mm का, क्वालिटी बहुत अच्छा है। मेरे पास होलसो था लेकिन क्यों ख़रीदा मैं बताऊंगा। और है, और ये वाला है आपका 25 mm का, मतलब 1 इंच का है। यह है आपका 28 mm, 28 mm का है। और जो बड़ा वाला है वो 32 mm का है, ठीक है। तो ये 32 mm का है। इसका प्राइस है, मुझे इसका प्राइस पड़ा 1310 रुपये। और ऐसा सेट हमारे यहाँ पर जो लोकल मार्केट है वहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसीलिए मुझे ऑनलाइन लेना पड़ा। और यह है एक नट और वाशर, ताकि जो बड़ा होलसो है उस पर आप अटैच करके उस पर आप शाफ्ट या स्पिंडल अटैच कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर एक स्क्रू है, ताकि ड्रिल बिट का जो सेंक है या शाफ्ट का जो सेंक है वो ऊपर नीचे आप कर सके, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खुद एडजस्ट कर सकेंगे। ये अगर आपको चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट से जाके ये ख़रीद सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ मेरे पास पहले कौन सा था। ये बहुत बढ़िया है, ये बोस कंपनी का है, ठीक है। ये 1 इंच का है, ये भी अच्छा ही है। इसका कंपनी का नाम मुझे नहीं पता, भूल गया। तो और ये आइडल कंपनी का है, ये बहुत ही अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत वाइब्रेट करता है, इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का घंटी भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक वीडियो जल्दी से पहुँच जाए। और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।